नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। आज मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने उत्तर प्रादेशिक विभाग के सेंसिटिव क्षेत्रों का दौरा किया। इस संबंध में पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने कहा कि इन दिनों कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है, उनमें मुंबई पहले नंबर पर है। मुंबई में 750 कंटेनमेंट जोन है, जिसमें 250 से 300 कंटेनमेंट जोन केवल उत्तर प्रादेशिक विभाग में है। इस क्षेत्र में पुलिस और मनपा के अधिकारी बराबर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 दिन पहले लॉकडाउन खुलने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपनी सेफ्टी का उपाय ना कर लापरवाही कर रहे हैं। पुलिस और मनपा को जहां सेंसिटिव लग रहा है, उस एरिया और बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को कहा कि आप सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का पालन करें। बता दें कि जब से अनलॉक वन शुरू हुआ है, तब से लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन ना कर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि इस वक्त ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इन्हीं कारणों से भारत अमेरिका, ब्राजील और रशिया के बाद चौथे नंबर पर आ गया है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत इन देशों को भी पीछे छोड़ देगा। सो ये अभी भी हम चार्ट में भी देख रहे थे, बहुत सी बिल्डिंग हैं, चाहे वो स्लम की बिल्डिंग हो चाहे दूसरी बिल्डिंग्स हो, बिल्डिंग्स में थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ऐसी बिल्डिंग को हम सील कर रहे हैं, कंटेनमेंट किया जा रहा है ऐसी बिल्डिंग्स को, और मुझे विश्वास है कि जल्दी इसमें भी जो हाई डेंसिटी बिल्डिंग है, अगेन डेंसिटी यहाँ पे बड़ा फैक्टर है, और मैंने जैसे पहला कहा कि अगेन कारण यही था कि लोग जहाँ रिलैक्स होते हैं, कोविड से लड़ने का तो तरीका एक ही है कि सोशल नॉर्म्स फॉलो करना, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग। जहाँ ये फॉलो नहीं होगा, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और जहाँ नहीं लोग कर रहे वहाँ हम इन्फोर्स करते हैं और उसका रिजल्ट अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना कि डेथ हमने ऐसा देखा है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग थे, डेथ उनमें ही ज़्यादा देखी गई है। इसलिए ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन, ज़्यादा प्रिकॉशन लेना, लोगों को जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ है या जो 55 से ऊपर, उनको घर बैठने देना, उनके हेल्थ को डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करना, जरा सा भी सिम्टम्स आते ही लोगों को फीवर क्लिनिक में भेजना, फीवर क्लिनिक में जिनको थोड़ा भी शक आता है कि शायद कोविड हो सकता है, तुरंत उनका टेस्ट करा के लेना, हॉस्पिटलाइजेशन करना, अच्छे से अच्छा इलाज करना। एक हॉटस्पॉट्स है फिलहाल पूरे मुंबई में, लगभग 750 कंटेनमेंट जोन्स हैं, उसमें से लगभग 250-300 कंटेनमेंट जोन फक्त हमारा जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन में है। करीब 15 दिन पहले थोड़ा सा अलार्म हुआ था कि केसेस में सडनली स्पाइक आया था, उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन को दोबारा इन्फोर्स किया गया। 27 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए कंटेनमेंट जोन में से, वहाँ टोटल लॉकडाउन किया गया। बीएमसी के अधिकारियों ने और पुलिस के अधिकारियों ने लोकल वॉलंटियर्स की मदद से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स किया है, और उसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। अभी हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, चार्ट ऊपर से अब जो केसेस जो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं। एंड इससे पहले हम कौन से उसमें संतोष नगर में जाके आए थे, वहाँ पिछले दो दिन में एक भी केस नहीं है, यहाँ भी केसेस लगभग नेग्लिजिबल हो गए हैं। तो ये लॉकडाउन अभी अगर इसी प्रकार कंटिन्यू रहा तो जल्दी मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन यहाँ पे हम पार्शली उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे पाएंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा कार्य पुलिस के और बीएमसी के अधिकारियों ने, हेल्थ ऑफिसर्स ने मिल के किया है, और उसका रिजल्ट अब दिखने लग गया है। सर, रीजन क्या बताया जा रहा है कि 6 जून के बाद यहाँ पे जो नंबर्स वो रैपिड तरीके से बढ़े, रीजन क्या लग रहा है? ये तो मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पर ज़्यादा लाइट थ्रो कर पाएंगे, बट जैसा आपने देखा बहुत हाई डेंसिटी एरिया है, एंड जब पार्शल लॉकडाउन हटाया गया तो हो सकता है लोगों ने शायद ज़्यादा ईजी ले लिया होगा, बट एग्जैक्ट उसका रीज़न तो ये हेल्थ ऑफिशल्स बता पाएंगे। बट हमारा यही है कि लॉकडाउन हटाने के बाद शायद उन्होंने रिलैक्स ज़्यादा लोग हो गए, एक दूसरे मिलना शुरू किया, शायद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो नहीं की होंगी, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन अब हमने टोटल एनफोर्समेंट किया है और उसका रिजल्ट अब हमको दिख रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।